नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज लिख रखा है देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें लिख रखा डीई पैरेलल टू एसी। देखो डीई कहां है, ये है डीई, ये इस एसी के पैरेलल है, तो थोड़ी देर के लिए मैं एरो इसमें लगा दूं, ये एरो इसमें लगा दूं, ये इसके पैरेलल है। अगेन कहता है डीएफ पैरेलल टू एई, ये जो लाइन है डीएफ ही है, डीएफ पैरेलल टू क्या है एई, दो एरो का मतलब क्या हुआ, ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है और ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है। बात समझ आई? क्वेश्चन में क्या कहता है कि आप प्रूव करो बीएफ बाई एफई। देखो बीएफ कहां है, बीएफ यहां से लेकर के यहां पर, बीएफ बाई एफई ये इज इक्वल टू बीई, बीई यहां से यहां तक है और बाई ईसी यहां से यहां तक है, हमें ये प्रूव करना है। तो आप देखो कौन से दो साइड किसी ट्रायंगल में पैरेलल चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बड़ी वाली ट्रायंगल ले लूं एबीसी, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, एबीसी में एसी पैरेलल है डीई। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहां से इसको हटा दूं तो आपको अच्छी तरह दिखेगा, ये मैं यहां से थोड़ी देर के लिए हटाता हूं, ठीक है। अगर इसको मैं यहां से मिटा दूं तो आपको दिख रहा है इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है किसके, एसी के। तो अगर डीई पैरेलल है एसी के तो अगेन इसमें हमारा क्या लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा, देन बाई पीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थ्रस्ट थ्योरम जिसे कहते हैं, अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो बीडी बाई डीए, ऐसा मिलेगा बीडी बाई डीए, दिस बाई दिस, बीडी बाई डीए इज इक्वल टू बीई बाई ईसी, बीई बाई ईसी अप्लाई हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1। अब जो पुराना वाला केस था उसमें ये था कि ये चीज इसके साथ मिला हुआ है और एई इसके साथ मिला हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको गायब करते हैं। अब यहां पर ये वाली चीज क्या है, इसके पैरेलल है, तो इस ट्राइंगल को जरा हम देखें, इस ट्राइंगल में मतलब इस ट्राइंगल का नाम है ए बी ई, लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी ई, बताओ ए बी ई में क्या पैरेलल है, डी एफ इस पैरेलल टू AE, DF इस पैरेलल टू AE। तो अगर DF पैरेलल है AE के, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, हम अगेन अप्लाई कर सकते हैं BPT थ्योरम, then by BPT क्या कहेगा, BD by DA, अगेन BD by DA। अब क्यों मैं BPT लगा रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पर देखो BE by EC आया, मतलब BE by EC, इसलिए एग्जैक्ट हमारा BPT थ्योरम लगेगा, उसका कोरोलरी नहीं लगेगा। उसी तरह से वही वर्क हम सेकंड ही ट्रायंगल में करेंगे, इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल, तो लिखेंगे BD by DA is equal to BF by FE, इसको क्या लिखेंगे BF by FE, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्या देख रहे हो, अगेन अगर दोनों इक्वेशन को देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, इसके लेफ्ट हैंड साइड यहां पे क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहे नहीं मिल रहे, तो लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, BE by EC is equal to BF by FE, ऐसा हुआ और आपका यही है रिजल्ट।